यहाँ पर कृषि प्रधान देश है और उसके साथ में मुख्य व्यवसाय हमारा पशुपालन भी रहता है। पशुपालन के साथ में जो कृषि व्यवसाय साथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसके साथ में आज का जो दौर देखते हुए हर किसान गौ पालन है या पशुपालन है वो कम करता जा रहा है, क्या कारण रहता है कि वो इससे दूर हटता जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी शंकर और आप देख रहे हैं रावजी डेयरी फार्म। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, मेनली ये कारण रहता है कि जो गौ माता अपने रखते हैं, पशुधन रखते हैं, वो दूध कम कर जाता है, सही समय पर हीट में नहीं आता है, तो किसान भाई उसे परेशान हो जाता है और परेशान होने के कारण वो जैसे तैसे करके पशुधन को बिक्री के लिए कर देता है और वो उसको बिक्री कर देता है। तो उसका समाधान ये रहता है कि अब जो किसान भाई पशुधन सेल नहीं करेंगे, बिक्री नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम आज एक उपाय लेके आए हैं। तो उसका क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जो आप आज देख रहे हैं, जिसको अपने सिंपल भाषा में अंग्रेजी नाम से अगर बोलें तो अपन उसको बोलते हैं कोलोसिंथ या बिटर एप्पल भी बोलते हैं, और अगर सिंपल भाषा में अगर इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं इंद्रायन, इंद्रायन का फल बोलते हैं अपने इसको, और अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम से भी इसको पुकारा जाता है। जैसे कि गुजरात के अंदर इसको बोला जाता है इंद्रक या तरस, और तमिल के अंदर इसको बोलते हैं बेरीकुमती, या सिंपल भाषा में अपने बात करते हैं तो तुम्बा, और पंजाब के साइड में तो पंजाबी में इसको बोलते हैं जी गोरुम्बा। तो जैसे जैसे स्थान बदलता जाता है उसके नाम भी उसी तरह से बदलता जाता है। तो मेनली हमारा बताने का ये कारण है कि कहीं पे भी अगर किसान भाई अगर ख़रीदना चाहता है तो वो इस नाम से पुकार करके उसको मिल जाएगा, और अगर इसको जो उस किसान भाई को ये नहीं मिलता है तो पंसारी की दुकान पे जा करके आप इसके बीज ले लीजिए, और जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी खाली जगह मिले आप उसके बीज वहाँ पे डाल दीजिए। मई या जून के अंदर, इसके मई के अंदर लगभग इसकी खेती की जाती है, तो लगभग एक बेल के, अगर आप एक बेल हो जाती है एक, तो इसके एक बेल के 100-50 से लेकर के 100 फल इसके लगते हैं, तो आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। इससे यह रहता है कि आप इसको अच्छी तरह से जब बड़े हो जाएं तो इसको काट करके छाया में सुखा लेने हैं, एक पीस के इसके, जैसे एक फल है इसके, एक फल के दो पीस आपने कर लिए और उसको काट करके छाया में सुखा लें। जब सूख जाए तो हर रोज़ अपनी गौ माता को एक ये खिलाना होता है। इससे हमारे को ये होगा कि जो गौ माता के पेट संबंधी जो प्रॉब्लम आती है, पशुधन के अंदर जो पेट संबंधी बीमारियां आती है, बाई बादी बदहजमी डाइजेशन में प्रॉब्लम, तो बहुत सी बीमारियां इसके कारण जो क्या हल हो जाएगी। सभी बीमारियों का एक दवा एक है और इसके फायदे अनेक है। डाइजेशन सिस्टम इसका बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो भी पशुधन खाता है वो अच्छी तरह से पाचन क्रिया उसकी सही रहेगी, स्ट्रोंग हो जाएगी, और समय समय पर पशु का हीट में आना, दुग्ध उत्पादन है जो बढ़ जाएगा, तो जो पशु हीट में नहीं आते तो उसी सही समय पर वो हीट में भी आ जाएंगे। और जो पेट संबंधी मेनली प्रॉब्लम रहती है, पेट के संबंधी जो मेनली प्रॉब्लम रहती है, वो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पेट में जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो सही समय से पाचन क्रिया सही काम न करने के कारण वो अनेक बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तो मेनली उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, रामबाण दवा के समान है ये। तो उसके कारण ये दुग्ध उत्पादन अच्छा बढ़ जाएगा, और अच्छे दूध बढ़ने के कारण बहुत सी बीमारियां जो बदहजमी जैसी होती है तो वो भी बीमारियां इससे हल हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो भी भाई आज इस वीडियो को देख रहे हो आप, अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों या मित्रों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। इसके साथ ही सभी दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गो माता।